नमस्कार मित्रों और समाजशास्त्र के विद्यार्थियों, 12 जून 2020, 12 जून का दिन समाजशास्त्र के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। हाँ, हम सभी समाजशास्त्र के विद्यार्थी, कुछ लोग परिचित हैं, कुछ नहीं परिचित हैं, ज़्यादा कुछ इनके बारे में लिखा नहीं गया है। आज मैं जिनकी चर्चा कर रहा हूँ वो हैं हैरियट मार्टेन्यू, ब्रिटेन की समाजशास्त्री हैं। सिर्फ ब्रिटेन की नहीं, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि समाजशास्त्र में प्रथम महिला समाजशास्त्री का दर्जा हैरियट मार्टेन्यू को मिलता है। अगस्त कॉम के बाद अगर समाजशास्त्र को किसी ने बहुत ज़्यादा या अगस्त कॉम के सिद्धांतों को किसी ने बहुत ज़्यादा विस्तार दिया है तो वो है ब्रिटेन की। नॉर्विच ब्रिटेन में आपका जन्म हुआ था 12 जून 1802 को, और उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया समाजशास्त्र के बारे में कि उनको प्रथम महिला समाजशास्त्री का दर्जा दिया जाता है। आज हम सब जानते हैं, देखते हैं कि मध्य प्रदेश में, अगर हम देखें मध्य प्रदेश में समाजशास्त्र के जो प्राध्यापक हैं उसमें अगर हम अनुपातिक रूप से देखें तो 90% महिला प्राध्यापिकाएँ हैं और मात्र 10% पुरुष हैं। लेकिन उसके बाद भी ये आज की स्थिति नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 1802 में जन्मी ब्रिटेन के नॉर्विच में जन्मी हैरियट मार्टेन्यू ने अपना पूरा जीवन समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पे किया। आपके सिद्धांत इतने ज़्यादा थे, आपने शुरू में तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के बारे में खूब लिखा लेख, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों, सामाजिक विचारकों, समाज के हर पहलू, समाज से जुड़े हुए हर तत्व को छुआ है, इसलिए इनको कहा जाता है। ये पहली महिला थी जिन्होंने 1853 में अगस्त कॉम के जो फ्रांसीसी में लिखे हुए सिद्धांत थे, द पॉजिटिव फिलॉसफी जो फ्रांसीसी में लिखी हुई थी, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। अंग्रेजी में अनुवाद करने के कारण ही ब्रिटेन में या अंग्रेजी भाषा के जानकार लोग जो फ्रेंच नहीं जानते थे, वे सभी समाजशास्त्र में अगस्त कॉम के सिद्धांत को जानने लगे, और उसके बाद एक लंबी सीरीज निकलती चलेगी समाजशास्त्रियों की। इसलिए हम कहेंगे हैरियट मार्टेन्यू का योगदान समाजशास्त्र में अनुल्लेखनीय है, अप्रतिम है। आपके बारे में थोड़ा सा सामान चर्चा करता हूँ। 12 जून 1802 को नॉर्विच ब्रिटेन में, एक नॉर्विच जगह है इंग्लैंड में, वहाँ इनका जन्म हुआ था। एलिजाबेथ रैंकिंग और थॉमस मार्टेन्यू की 8 संतानों में ये 6वीं संतान थी। ब्रिटेन के नामी ग्रामीण धनाढ्य परिवारों में इनकी गिनती होती थी। ब्रिटेन के धनाढ्य परिवारों में आपकी मार्टेन्यू फैमिली की गिनती होती थी। पिताजी एक टेक्सटाइल्स मिल के मालिक थे और माँ शुगर रिफाइनरी की मालिक थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, पैसा बहुत था, लेकिन इनकी माँ जो एलिजाबेथ रैंकिंग है वो बहुत ही परंपरावादी थी, और जेंडर रोल ऑफ जेंडर्स के बहुत अगेंस्ट थी। उनका कहना था लड़के तो कॉलेज पढ़ने जाएंगे, उन्होंने अपने बच्चों को, लड़कों को कॉलेज पढ़ने भेजा लेकिन लड़कियों को नहीं भेजा। वो कहते थे लड़कियों का काम कॉलेज पढ़ना क्या, बेसिक ज्ञान आपने ले लिया, स्कूली शिक्षा पर्याप्त है, अब आप घर के काम करिए। तो शुरू से ही पारिवारिक वातावरण ऐसा था जिसका हैरियट ने विरोध किया। हैरियट का कहना था जितना हक लड़कों को पढ़ने का, उतना ही अधिकार लड़कियों का भी था, और इसी से पारिवारिक माहौल के चलते, परिवार में माँ के विरोध के चलते हैरियट मार्टेन्यू जो है प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी की कट्टर समर्थक बन गए। उनका पूरा जीवन खाली प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन में लगा रहा, उन्होंने बहुत विरोध किया। हैरियट मार्टेन्यू जो है ब्रिटेन की नहीं, पूरे विश्व की प्रथम महिला समाजशास्त्री। 15 वर्ष की आयु में आपने ब्रिटेन में पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पर एक गुमनाम लेख लिखा था। 15 वर्ष की आयु थी, कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी, जिसकी व्यापक पैमाने पर पूरे ब्रिटेन में चर्चा हुई। लोगों ने, पर उन्होंने नाम ही अपना नहीं लिखा था, गुमनाम नाम से लिखा था, इसलिए कोई समझ नहीं पाए हैरियट है। बाद में फिर उन्होंने अपने नाम का प्रयोग करना शुरू करा, और जिसके कारण वो एक युवा लेखिका के रूप में, एक सशक्त पहचान के रूप में जानी जाने लगी। हैरियट ने अगस्त कॉम के बारे में, अपन कहते हैं ना अगस्त कॉम समाजशास्त्र में प्रथम है, उसी तरह से समाजशास्त्र के बाद जो है सेकेंड नंबर जो है हैरियट मार्टेन्यू को दिया जाता है। आप इनके सिद्धांतों से, इन्होंने जो लेख लिखे, जो आर्टिकल्स लिखे विभिन्न जर्नल्स में, न्यूज़पेपर में, वो इतने महत्वपूर्ण थे कि एंजेल, एमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स ने भी हैरियट के समकालीन समाजशास्त्री सिद्धांतों
जिसमें सामाजिक वर्ग, आत्महत्या, धर्म, डोमेस्टिक रिलेशन, घरेलू संबंध और नेशनल कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और उसी आपके ये हैरियट के सिद्धांतों को इन लोगों ने अपने अपने सिद्धांतों में, अपने अपने नियमों के अंतर्गत उनने इसका उल्लेख किया है। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा उल्लेख किया। इनका कहना था कि ये जो हैरियट के सिद्धांत हैं, ये वास्तव में समाज के लिए एक आधुनिक सिद्धांत है, समाज के लिए एक मील का पत्थर है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगस्त काम के बाद अगर किसी समाजशास्त्री का नाम आएगा तो वो हैरियट का नाम है। इन्होंने बहुत से सिद्धांत दिए और इनका, इनके सिद्धांतों को ही मार्क्स ने, दुर्कीन ने, मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांतों के माध्यम से विस्तारित करा। अब यहाँ आते हैं कि वास्तव में क्या था। हैरियट ने समाज के जो न्यूज़पेपर में लिखती थी, समाज के उन सभी तत्वों की, है ना, जिसमें मूल तो इनका महिला अधिकार की बात थी, महिला अधिकारों के लिए काफ़ी सक्रिय थी, लेकिन इसके बावजूद ये समाज के विभिन्न तत्व, जो सामाजिक समस्याएं जो व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करती थी, वे तत्व जो व्यक्ति और सामाजिक समस्याओं को सबसे ज़्यादा के मूल कारण होते हैं या प्रभावित करते हैं, उनके बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा लिखा। इनका काम पूरा एक कॉमन वर्कर और धार्मिक सहिष्णुता के रूप में था। इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास करे कि हर देश में, हर समाज में धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए और कॉमन वर्कर की पहचान होनी चाहिए। ये उस दौर की बात है 1800 की, जब समाज में धनाढ्य वर्गों की, इलाइट क्लास की बहुत पहुंच थी। तो इलियट चूंकि एक इलाइट फैमिली की थी, हैरियट माने एक इलाइट फैमिली की थी, धनाढ्य परिवार की थी, और लेखन से इनका भी जीवन यहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद ये कॉमन मैन, कॉमन वर्कर के अधिकारों के लिए बहुत थी और धार्मिक सहिष्णुता की बात करती थी कि समाज में हर धर्म को समान अधिकार मिलना चाहिए। इनके जितने भी लेख थे, बहुत से जर्नल्स, न्यूज़पेपर और कोर्स बुक इन्होंने बहुत लिखी। ये इतनी ज़्यादा महिला अधिकारों के लिए प्रति सजग थी कि समाज में जो महिलाओं के प्रति दुरुपयोग होता था, उस कारण से महिलाओं का विरोध होता था, इन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया। सर्वप्रथम इन्होंने जो शुरुआत की हुई है, इनके हैरियट मार्टेन्यू की जो पहचान बनी है 1831 में, इलस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये 7 वॉल्यूम में इन्होंने लिखा था। इलस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी की एक सीरीज, एक लंबी कहानी, एक श्रृंखला प्रकाशित की, जिसमें यूटेरियन सिद्धांत, फ्री ट्रेड को बहुत ही सरल तरीके से प्रस्तुत किया। आपका इन आपके सिद्धांत जो आपने जो थे, एडम स्मिथ के सिद्धांत जो थे, उस वक्त एडम स्मिथ अर्थशास्त्र में बहुत ज़्यादा नामी ग्रामी विद्वान थे, उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी कर ही नहीं सकता था, लेकिन हैरियट ने उसकी भी आलोचना करी, एडम स्मिथ भी, और एडम स्मिथ के सिद्धांत, उनका कहना आपने इतने जटिल सिद्धांत दिए उसको तो कोई समझ ही नहीं सकता, लेकिन उसको बहुत ही सरल तरीके से, इतने कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज को उन्होंने इतने सरलीकरण कर दिया, इसका इतना सामान्यकरण कर दिया कि जिससे आम नागरिक, ब्रिटेन का आम नागरिक बजट, टैरिफ और टैक्स को जानने लगा। नहीं तो आम नागरिक बजट, टैरिफ और टैक्स को जानता ही नहीं था, अब सब जानने लगे। हैरियट ने अपने इस काल के जितने भी प्रख्यात विचारक थे, चाहे वो माल्थस हों, जॉर्ज इलियट हों, एडम स्मिथ हों, एलिजाबेथ बैरन ब्रोडम हों, थॉमस कार्ले हों, इनको बहुत आलोचित किया। उनका कहना था कि आप जो सिद्धांत दे रहे हैं, लेकिन इसमें ये कमियां हैं, इसको आप सुधारिए। ये थे हैरियट के प्रयास। हैरियट ने, मैंने शुरू में कहा था, हैरियट चूंकि उनकी माँ जो थी एलिजाबेथ, वो महिलाओं के, वो परंपरावादी थी, वो कहती थी महिलाओं को सिर्फ घर में रहना चाहिए, घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहरी काम के लिए तो पुरुष वर्ग है। इसके कारण उनके मन में बचपन से ही एक ऐसी छाप बैठी थी कि महिलाओं को हमको कहीं ना कहीं स्थापित करना है। इसलिए हैरियट ने देखिए प्रयास किए इसके बाद अपने लेखों के माध्यम से, विवाहित महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए, प्रोस्टिट्यूशन लाइसेंसिंग यानी वैश्यावृत्ति को एक लाइसेंस मिले, और ग्राहकों को कानूनी प्रावधान, मतलब जो प्रोस्टिट्यूशन के लिए जो कस्टमर आते हैं उनके लिए भी एक कानूनी, लीगल प्रोविजनल रेगुलेशन की बात की इनने। और सबसे महत्वपूर्ण काम जो है हैरियट का, महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था, मताधिकार नहीं था, इसकी उनने पुरजोर वकालत की। इनका कहना था महिलाएं भी वोट देने की हकदार होनी चाहिए, और अब देखिए आज सब जगह ये चल रहा है। इसलिए कहता हूँ कि हैरियट जो थी महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली, नारीवादी परिप्रेक्ष्य उन्होंने बहुत काम किया। आज फेमिनिज्म की बात होती है, लेकिन फेमिनिज्म की बात में हैरियट मार्टेन्यू को कोई याद नहीं करता, लेकिन हैरियट मार्टेन्यू ने ही समाज में वो एक पहल शुरू कर दी थी
1830 के बाद से 1831 से उनके जो सीरीज आती थी कई वॉल्यूम में आती थी, एक नई सीरीज चालू हुई और उसके साथ समाज में एक फेमिनिज्म की थ्योरी चालू हुई। आपकी कलम जो थी, कलम इनकी कभी रुकी नहीं। बीच में 1839 से 1845 तक इनको यूट्राइन ट्यूमर हो गया था, पेशाब की नली में ट्यूमर हो गया था, जिसके कारण बहुत परेशान थी और ये करीब 6 साल हॉस्पिटलाइज रही। लेकिन 6 साल गंभीर यूट्राइन ट्यूमर्स के इलाज के दौरान ये हॉस्पिटल में रही, वहाँ इनकी कलम रुकी नहीं, वहाँ भी इनकी कलम अनवरत चलती रही। और अभी जो महिला अधिकारों के प्रति इनके विचार चल रहे थे, महिला अधिकारों के प्रति लिख रही थी, अब इन्होंने डॉक्टर मरीज के संबंधों पे एक सिक रूम से, है ना, हॉस्पिटल सिक रूम से इन्होंने एक डॉक्टर मरीज के संबंधों पे किताब लिख डाली। मेडिकल विषयों पे इन्होंने बहुत लेख लिखा, व्यापक चर्चा करी। फिर 1800 होने के बाद 1850 से 1860 तक आपने महिला अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करा और उसमें वो विजयी रही। यहाँ इनके कुछ समाजशास्त्री योगदानों की चर्चा करूँगे। सबसे बड़ा योगदान तो ये है, इन्होंने अगस्त कॉम के सिद्धांतों का फ्रेंच से अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, क्योंकि फ्रेंच खाली फ्रांस तक सीमित थी, लेकिन अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो पूरे यूरोप, अमेरिका और अन्य कॉन्टिनेंट में भी चलती है। इसलिए अगस्त कॉम के जो सिद्धांत हैं, जो समाजशास्त्र के प्रथम में कहलाते हैं, उनकी पॉजिटिव फिलॉसफी और अन्य सिद्धांतों को इन्हें फ्रेंच से अंग्रेजी में कर दिया, जिससे जन साधारण की पहुंच में अगस्त कॉम आ गए। इनके जो कुछ के इन्होंने 50 पुस्तकें और 2000 आर्टिकल लिखे हैं। कुछ इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, इलस्ट्रेशन ऑफ टैक्सेशन 1832 में आई थी, जो 5 वॉल्यूम में है। इलस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 9 वॉल्यूम में आई, जो 1832 में आई थी। सोसाइटी इन अमेरिका 1837 में 3 वॉल्यूम में है। हाउ टू ऑब्जर्व मॉरल एंड मैनर, हाउ टू ऑब्जर्व मॉरल एंड मैनर 1838 में। डियर ब्रुक 1839 में। लाइफ इन सिक रूम, जब ये बीमार थी तब इन्होंने लिखी थी 1844 में। हाउस होल्ड एजुकेशन, घर में जो है हाउस होल्ड के लिए एजुकेशन, इनका ध्यान पूरी तरह से महिलाओं पे था, इसलिए 1848 में उन्होंने एक किताब लिखी हाउस होल्ड एजुकेशन। द पॉजिटिव फिलॉसफी ऑफ कॉम्ट, ये 1853 में अनुवाद है, ये अनुवादित बुक है फ्रेंच से अंग्रेजी में। हैरियर मॉन्टेन्यू की ऑटोबायोग्राफी भी है, जो 1877 में आई है। आपके सम्मान में 1994 में मैनचेस्टर कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड ने एक सम्मान किया है, जो हर साल विशेष लेखनकार, विशेष सामाजिक कार्य, विशेष समाजशास्त्री अध्ययन के लिए प्रदान किया जाता है। 27 जून 1876 का एक दिन, वो दिन है जिस दिन हैरियट मार्टेन्यू ने अंतिम सांस ली। आज हैरियट मार्टेन्यू, जो प्रथम महिला समाजशास्त्री, उनके जन्मदिन पे मैं ये वीडियो उनको समर्पित करता हूँ। मैं सोचता हूँ, मुझे विश्वास है आप सभी इस वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित में अवश्य देखेंगे, और आगे भी आपको इसी प्रकार के वीडियोस मिलते रहेंगे। और मैं समाजशास्त्र के एक विद्यार्थी के नाते समाजशास्त्र के सभी चिंतकों के बारे में इसी प्रकार आप तक अपने विचार रखूंगा। आज के लिए इतना ही।